Hey guys, welcome back to my channel, शिवानी Vlogs. मैं हूँ शिवानी, आप देख रहे हैं शिवानी Vlogs. और बताएं आप सब कैसे हो. एंड मैं कुछ रेडी नहीं हुई, बस ये टी शर्ट और जीन्स डाल लिया. सिंपल मास्क तो लगाना ही है, तो रेडी क्या होना, बट डी मार्ट जा रही हूँ मैं, बिकॉज बस ऐसे ही थोड़ा सामान लेना है. एंड शिवम का चल रहा है ऑफिस, तो मैं शिवा के साथ जाने वाली हूँ. उसका डे शिफ्ट मतलब नाइट शिफ्ट है, तो अभी सो कर उठा है. मैंने कहा तुम चलो मेरे साथ, तो मैं अथर्व को लेकर के जा रही हूँ. एंड मैं हो गई हूँ रेडी, बस ऐसे ही कॉम कर लिया, टी शर्ट एंड जीन्स डाल लिया, और अथर्व को कर देती हूँ फटाफट से, उसको भी चेंज करके उसके कपड़े पहना देती हूँ उसको. एंड ये तो बहुत नौटंकी दिखाता है, ये बच्चे सारे दिखाते हैं, मतलब कपड़े पहनने के टाइम पे तो भागते हैं यहाँ वहाँ, पकड़ पकड़ के दौड़ दौड़ करके तैयार करना पड़ता है. तो मैं भी बस कुछ यही कर रही हूँ. ये देखिए कितना जंप कर रहा है, उछल रहा है. और मैंने ऑयल लिया इसके बालों में लगाने के लिए और ये भाग गया. आज का स्टार्ट हो रहा है व्लॉग, एंड मैं जा रही हूँ डी मार्ट. अथर्व शिवा के साथ जा रही हूँ, शिवम नहीं जा रहे हैं. बट आज फ्राइडे है और बस शिवा का नाइट शिफ्ट है, तो मैं शिवा के साथ ही जा रही हूँ. थोड़ा सा ऐसे ही बाहर निकलना हो जाएगा. और मैं नीचे आ गई थी, लेकिन मैं ये बैग्स लेना भूल गई थी, तो मैं बैग लेने आई हूँ. एंड अथर्व और शिवा नीचे ही है, हम लोग निकलने वाले हैं और बस चलते हैं. दिखाऊंगी मैं आपको, अगर वहाँ पर शूट कर पाई तो ज़रूर से दिखाऊंगी. और बस चलते हैं, देखो वो बैठा है अथर्व और शिवा, ये दोनों बैठे हुए हैं, हम लोग निकलने वाले हैं फिर. सो गाइस, पहले मैं भूल गई थी बैग्स, एंड अब मैं भूल गई हूँ चाबी. सो गाड़ी की चाबी अभी मैंने शिवा को भेजा नहीं. शिवा मुझसे बोलेंगे ना कि तुम हर चीज़ भूल ही रही हो. मेन चीज़ मैं सब भूल जा रही हूँ. एंड अथर्व खड़ा हुआ है. अथर्व से हाय. अथर्व ने मास्क लगा लिया है. अथर्व देखो, हाय बोल दो. नहीं बोल रहा है. सो बस शिवा को भेजा है मैंने चाबी लेने के लिए, बिकॉज मैं एक बार अभी गई ना, तो शिवम बोलेंगे पहले तुम बैग से ले जाना भूल गई हो, अब तुम चाबी ले जाना भूल गई हो. एंड अथर्व से हाय. हे एवरीवन. नो, गाड़ियां आ रही है. अथर्व प्लीज डोंट गो, कम हियर. ओ शिवा आ गया, मैं निकल रही हूँ. अतर ने लिया है किंडर जो है, और उसने ले तो लिया पर अब वो खा नहीं रहा है. एक बॉल मैंने खाई है एंड एक अतर ने खाई है. अतर खाओगे और बोल रहा मुझे डोसा खाना है. मोमोज की फोटो लेंगे, मोमोज की फोटो लेंगे. चटनी तो यहाँ रेड वाली बहुत कम दी. आपको खाना, रुको. सो गाइस, मैं आ गई हूँ डी मार्ट से. एंड अभी मैं बस मैं आज गई थी, एक्चुअली आज मैंने जब मैं जा रही थी तब बजा था 4, हम 4:15 पर निकले थे. एंड आते आते अभी हो गया है 7 बज गया है. और मतलब 7 बजे हम आ गए थे, अभी बज रहा है 8. और बस मैं थोड़ा मतलब अभी सामान वैसे ही का वैसा रखा हूँ, मैंने चेंज वेंज किया उसके बाद. एंड बस मैं अभी सोच रही हूँ कि इसको लगा दूँ, तो मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ ग्रॉसरी में. और ये मंथली ग्रॉसरी नहीं है, मतलब रैंडम जो हमारा थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया था मैं वो लेकर के आई हूँ. एंड देन जो थोड़ा बहुत ख़त्म होता है उसके साथ साथ जो थोड़ा सा ज़्यादा सामान आता है वो भी है इसमें. मतलब कि ऐसा होता ही होता है कि हम कुछ लेने जाते हैं, मतलब होता मतलब 8-10 चीज़ें हैं, लेकिन हम 15-16 मतलब आप समझ सकते हो ना, सबके साथ ही ऐसा होता होगा कि हम लेने कुछ गए थे लेकिन उसके साथ
साथ एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये मेरे साथ भी हमेशा होता है। एंड बस मैं जो जो भी लेकर के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज उसके बाद फिर मैं ऑर्गेनाइज कर दूँगी तो फिर कोई कैसे दिखा पाऊँगी, इसलिए मैं अभी शेयर करती हूँ। सब कुछ निकाल के रखने वाली हूँ और आपके साथ शेयर भी करती जाऊँगी, बाद में ऑर्गेनाइज कर दूँगी, सब चीज़ें अपनी जगह पर रख दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला पैकेट, मतलब दो बड़े बड़े पैकेट हैं जो भरे हुए हैं फुल। एंड बस सबसे पहले तो ये बेसिक चीज़ है जो हमारा डेली का नेसेसरी है, मतलब हम तो डेली ब्रेड नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ मैं गई थी, बढ़िया फ्रेश ब्रेड मिलते हैं, तो मैं ये लेकर के आई हूँ, होल व्हीट वाला ब्रेड ब्रिटानिया का। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए सबसे सही होता है, बिकॉज मतलब जब कभी दो दिन तो तीन दिन तो निकल ही जाते हैं, तो दो दिन तो ईजिली निकल जाते हैं, बाद में कुछ सैंडविच बन गया या कुछ भी बन गया, तो ये घर में ब्रेड होता है तो इससे आराम से ब्रेकफास्ट या कोई स्नैक बनाना हो तो शॉर्ट हो जाता है सब कुछ। तो बस ये देखो, ये मैं ब्रेड लेकर के आई हूँ, एंड ये मस्टर्ड ऑयल लेकर के आई हूँ फॉर्चून का। एंड ये चीज़ है जो हमारे साथ में पीछे पीछे खींची हुई आती हैं, ये है बिंगो का चिप, बड़ा वाला पैकेट है। एंड ये बिंगो का मैडिंग वाला चारी मस्ती, ये मुझे अच्छा लगता है, और वो चिप्स तो अच्छा लगता ही लगता है। एंड साथ में आए हैं ये डार्क फैंटेसी बर्बन के कुछ बिस्किट, पार्ले जी भी आया है, आप सबको कभी कभी खिला देती हूँ, जब कुछ बनाने का मूड नहीं होता है तो दूध बिस्किट है ऐसा कुछ खिला देती हूँ, सही रहता है। साथ में आया ये मैगी, बड़ा वाला पैक है, ये फैमिली पैक है, तो ये मैगी कभी कभी बनाती हूँ, जब कुछ खाने का मन हुआ है, फिर और मन हो रहा है खाने का लेकिन बनाने का नहीं हो रहा है, तो मैगी बना लेती हूँ। एंड ये लेकर के आई हूँ गिफ्ट रोल, तो एक्चुअली मुझे मंदिर को क्लीन करना है, तो मंदिर में नीचे बिछा रही थी मैं, इसलिए मैंने येलो कलर का लिया है, बहुत सारे थे कलर, मैंने येलो लिया है मंदिर के लिए, ठीक रहेगा। तो एक ये रोल है, ये लाई हूँ सफोला मसाला ओट, ये मैंने पहली बार लिया है क्योंकि मैं तो ओट्स खाती नहीं हूँ, अथर्व ओट खाती हूँ, लेकिन अथर्व अभी तक ना मिल्क के साथ खाता था मीठा वाला। एंड मैंने एक उसका स्मॉल शैसे आता है वो मैंने ट्राई किया है, तो ये दूध उसको अच्छा लगा, उसने खाया था, तो मैंने सोचा कि दूध तो वैसे ही पिला देते हैं यार, और भी दूध का बना सकते हैं, ओट्स में इसको मसाला ओट्स ट्राई करने वाली हूँ, उसके बाद ये मसाला ओट्स ट्राई करके भी खाते हैं। एंड साथ साथ आए हैं ये साबूदाना, एंड लेकर के आई हूँ ये कितना होता है, 500 ग्राम, 500 ग्राम हाफ के जी का बटर, ये चलता तो नहीं है हमारा, तो एक हफ्ते एक महीने से पहले शायद खत्म हो जाता है, बटर बहुत खाते हैं, मतलब ब्रेड में बटर अच्छे से खाते हैं, और पराठे के साथ खाए जाते हैं, आलू के पराठे, मतलब ये सब के साथ हम बटर खाते हैं, तो ये हमारा बटर हम एक बार में लेके आते हैं, ये बटर हो गया। एंड ये मसाले मुझे ना बड़े बड़े पैकेट नहीं मिले वहाँ, तो मैं छोटे छोटे लेके आई, ये टर्मरिक MTR का नहीं लेती हूँ मैं, लेती हूँ यही वाला एवरेस्ट का, तो लेकिन हल्दी पाउडर नहीं था तो मैंने हल्दी पाउडर ये वाला ले लिया MTR का, और ये एवरेस्ट का एंड धनिया पाउडर, बाकी और सब कुछ है, दालें मतलब हर चीज़ है, पूरी मैंने सब कुछ है, बस चीज़ मैंने हमसे चीज़ें भी कुछ कुछ बहुत सारी खत्म हो गई थी, तो हम वो लेकर आए हैं। एंड ये मैं लाई हूँ ये बर्बन का बिस्किट, साथ ही साथ है ये क्लीनिंग करने वाला, हाथ में फंसाओ एंड क्लीन करो। एंड ये लेकर के आई हूँ कलर वाले ब्रश, मैं अपने लिए नहीं मम्मी के लिए लेकर के आई हूँ, ले आई हूँ, मतलब तीन ब्रश है, काफ़ी अच्छे हैं, साथ में कंघी भी है। एंड अथर्व का बिंडा जो है, ये वाला चॉकलेट आप मुझे कमेंट करके बताना किस कितने खाया है, ये देखो वॉमिटी। एंड ये बिल्कुल अंदर इसके अंदर प्योर ग्रेटेड कोकोनट होता है, और बहुत अच्छा लगता है ये चॉकलेट खाने में, बहुत ही ज़्यादा यम लगता है, आप मुझे बताना किस कितने खाया है। एंड लेकर के आई हूँ ये रोज़ा, एंड मैम ये लेकर के आई, इसमें ये है मतलब कप वगैरह रखने के लिए, और ये बड़ा है प्लेट वगैरह रखने के लिए, जो डाइनिंग टेबल में डालते हैं ना ये मैट, वो है,
खत्म हुआ, दूसरा खोलते हैं एंड लाई हूँ ये मकेन मैक आलू टिक्की और बर्गर बनाऊंगी। वैसे तो ये मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ मैक आलू टिक्की, बिकॉज बर्गर मैं घर पे ही खुद से बनाती हूँ, खुद से टिक्की आलू वालू मिक्सचर करके सब कुछ बनाती हूँ। ये मैं पहली बार लेकर के आई हूँ, ट्राई करूँगी कैसी है एंड बनाऊँगी इससे बर्गर को तो शेयर करूँगी आपके साथ। ये बिम्बारो हमारे तो सबके साथ ही असर होगा, नेचुरल गार्नियर का लेके आया हूँ जो हम कभी कभी लगाते हैं एंड इस बार मैं लेकर के आया हूँ ये गोवर्धन का घी 1 kg का। गोवर्धन भी मुझे अच्छा लगता है, वो भी अच्छा सही लगता है, जो भी होता है वो ले लेती हूँ एंड रेड चिली हाफ के जी अभी रखे हुए हैं सारे ड्राई फ्रूट्स, पर मैं ले आई थी कितनी जल्दी जाना होगा नहीं, दैट्स व्हाई। एंड हल्दीराम आलू भुजिया, शुगर भी रखा हुआ है पर मैं ले आई, क्योंकि शुगर हम सिर्फ दूध में और चीनी में ही खाते हैं, मतलब डालते हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ शुगर का यूज़ कुछ नहीं होता, मीठे वीठा कुछ नहीं बनता, तो ऑलरेडी रखा हुआ है पर मैं ले आई। एंड पोहा का पूरा फुल एक पैकेट रखा है पर मैं ले आई, क्योंकि पोहा तो चलता ही रहता है, यूज में आता ही रहता है, तो पोहा है। एंड ये मैदा है, मैदा भी रखा हुआ है पूरा तो पर मैं ले आई। एंड ये सॉल्ट, एंड ये डेल माउंटेन का लेके आई हूँ टोमेटो केचप, इसका मैं ढूंढ रही थी वो स्पाइसी एंड स्वीट एंड स्पाइसी वाला फ्लेवर होता है वो वाला, क्योंकि वो तो बहुत ही है, मतलब आप किसी भी चीज़ के साथ उसको खा रहे हो ना तो मतलब बहुत अच्छा टेस्ट है उसका टोमेटो केचप का, लेकिन वो नहीं मिला मुझे, तो मैं ये ऑर्गेनिक ब्लेंड मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, तो मैंने सोचा ये ट्राई करते हैं, क्योंकि यार वो किसान का खाखा से बहुत पकते हैं। इसका स्पाइसी वाला बहुत अच्छा है, स्पाइसी एंड स्वीट फ्लेवर वाला, पर वो था नहीं तो मैंने ये वाला लिया है। ये वाला फोन लेके आए हुए लोगों के लिए तो अच्छा है, बढ़िया है, तो बस ये फोन लेकर के आई एंड बस यही सब था, और कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाना है तक, जो भी है बस यही है। तो बस याद आई गई यही था मेरा आज के डीमार्ट शॉपिंग हॉल, एंड मैं बस ऑर्गेनाइज करने वाली थी, निकालने वाली थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आई थिंक मुझे लगता है ये वीडियो ही उतना लंबा हो गया है, तो मैं बस इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ इस वीडियो को, फिर मिलूँगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ये बाय बाय एंड क्या बोलूँ मैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक ये बाय बाय। एंड अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे और आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर पाएंगे। एंड आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, एंड अगर और जो भी आप देखना चाहते हो मेकअप से रिलेटेड, व्लॉग से रिलेटेड, डेली रूटीन से रिलेटेड, कोई रेसिपी से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर